हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपको आगे का ब्लॉग बताने जा रही हूँ कि मुझे एंट्री क्यों नहीं मिली। मुझे एंट्री इसलिए नहीं मिली क्योंकि मैं 5-6 घंटे पहले आ गई थी, क्योंकि मेरी ट्रेन ने मुझे 7:30 पहुँचा दिया था। फिर भी मैं खाना वाना खा के 8:30 बजे तक पहुँच गई थी, तो वो बोले कि 10:30 बजे के बाद ही आपको एंट्री मिलेगा, तो मैं बाहर वेट कर रही थी। और फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल को देखते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें। और अब मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ, खाना में खा के फ्री हो चुकी हूँ, तो फिर अब वेट करने के अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं। जल्दी आ जाओ तो प्रॉब्लम, लेट आओ तो प्रॉब्लम, जल्दी आ जाओ तो बाहर वेट करवा देते हैं, और लेट आओ तो ट्रेन छूट जाए, फ्लाइट छूट जाए, हर जगह टेंशन टेंशन। फाइनली 10 बजे मुझे एंट्री मिल गई, हो जाएगी तब तो मैं देख। एंट्री मिल गई तो हम अंदर आ गए, साथ में मुझे फिर एयरपोर्ट पे एक लड़की मिल गई, उससे मेरा थोड़ा बात बात हुआ, और उसके बाद हम दोनों साथ में थे और हमारा सीट भी पास पास था। हमने अंदर आकर सेल्फ चेक इन लिया, अपने बोर्डिंग पास लिए। उसके बाद में हम लोगों को फिर बोला 11:30 बजे ही आप अपना बैगेज देख सकते हैं, लगेज को साइड में लगा दीजिए। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हमने फ़ोन लिया और फ़ोन चार्ज में लगा दिया। बहुत वेट करना पड़ता है, यदि आप पास में रहते हो तब तो ठीक है, यदि कोई आप दूर से आते हो फिर ट्रेन जर्नी करके आते हो, फिर उसके बाद 5-6 घंटे वेट करो, उसके बाद फिर फाइनली 11:30 बजे आके हमको एंट्री मिली। सिक्योरिटी चेक इन हुआ, उसके बाद फिर हम लोग बैठ गए, और फिर मैं ऊपर जाके मतलब फ़ोन चार्ज में लगा दिया। अब क्या कर सकते थे, बैटरी चाहिएगी। और उसके बाद में हम लोग दोनों बातें करने लग गए, और आप यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें अलाउड नहीं होती, कोई तेज़ चीज़ें जैसे चाय नेल कटर हो गया, चाकू हो गया, कोई भी हथौड़ा हो गया, मतलब कोई भी जो जिससे इंसान को हर्ट हो सकता है या फिर कोई भी चीज़ को नुकसान पड़ सकता है, वो चीज़ आपको एयरपोर्ट में बिल्कुल अलाउड नहीं होती है। आप कोई भी रीज़न से लाएँ सब निकाल दी जाती है, चाहे वो कांच का सामान हो या कुछ भी हो। और उसके बाद जब जब हमको एंट्री मिला, लिस्ट आप लोग देख लें जब भी आप जाते हो, तो कभी भी कोई भी आप तेज़ धार चीज़ें ना लेके जाएं, क्योंकि वो वैसे भी अलाउड नहीं होती हैं। हम लोग वेट कर रहे हैं यार, कितना वेट करना पड़ता है, बहुत तेज़ नींद आता है आँखों में। यही मतलब वो मैसेज किए थे, वही प्रियाशा बोली कि आईडीएस अगर चाहिए तो आज का आईडीएस का मेल आया है, कुछ तो भेजा नहीं है। फाइनली मैं फ़्लाइट में आ चुकी हूँ, और ये कैबिन क्रू कैप्टन का रूम गेट खुला हुआ था, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। इसके अंदर बैठ के पायलट गाड़ी सॉरी प्लेन उड़ाते हैं। अभी क्या बोल रही हूँ भगवान, नींद में कुछ भी होश नहीं चल रहा, आधी नींद में हूँ यार। कोई किसी भी इंसान को बोलो सुबह की उठी हुई यार, ऊपर से रात के 12:01 बज रहे हैं, 2 बजने वाला है, 2 बज रहा है और उतना नींद आ रहा है, क्या कर सकते हैं। और मुझे इतना नींद आ रहा था मैं तो सच में सो गई, और फिर मुझे उठाया भी नहीं जाता। कैबिन क्रू पायलट दिख रहा है, ये येलो लाइन है, और ये एरोप्लेन है जिसके अंदर मैं बैठी थी क्या इसी में बैठ के जा रही थी। सीट पे आके बैठ चुके हैं, और थोड़ी देर में फ्लाइट टेक ऑफ कर लेगी। मैं थक गई यार, मुझे बहुत नींद आ रहा है सच में, क्या कर सकते हैं, कोई ऑप्शन नहीं है ना। फाइनली हम लोग पहुँच गए 4:30 बजे वापस लैंड की। फिर मेरा नेक्स्ट कनेक्टिंग फ्लाइट थी, तो एग्जिट निकल कर हम लोगों को लो फ्लोर दी जाती है, पुरानी टिकट दिखाओ और मतलब वो टिकट दिखाओ, दोनों टिकट दिखाओ तो वो आपको टिकट देते हैं, 20 टोकन देते हैं रियल में। फिर यहाँ पर 4:30 बजे लो फ्लोर आती है, वो आपको लेके जाती है, लेकिन लो फ्लोर आई थिंक थोड़ी देर में आ गई थी। मेरे को तो पूरा नींद आ रहा था, आंखों में इतना नींद भरा था, 3:30 बजे किसको नींद नहीं आता, उल्लू थोड़ी हूँ जो जागती रहूँगी।
और इतना नींद आ रहा, मैं तो पूरी यही चादर दे दो लेट जाती हूँ। उसके बाद फाइनली मैं यहाँ पे आ गई। मुझे लो फ्लोर में भी नींद आ रहा था, अभी मैं आ गई हूँ। मैंने चेक इन कर लिया है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे। अब मेरा 2-3 घंटे का फिर मेरा वेटिंग टाइम है, मैं क्या करूँ। फिर मैं आ गई, अब मैं सोचा कुछ खा लेती हूँ। मैं सोची सुबह 4 बजे चाय पी के क्या करूँगी, नींद आ रहा है वो और भाग जाएगा। चाय का रेट देगा 60 रुपये, लस्सी का रेट देगा 170 रुपये, और पराठा भी चाय 225 रुपये। क्या करूँ, और इतना नींद आ रहा है भगवान, सच्ची कह रही हूँ क्या कर सकते हैं। और मेरे पेट में इतना पेन हो रहा था ना, फ्लाइट में इतना तेज़ दर्द हो रहा था, बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि बस प्लेन बीच में तर जाए और नीचे, शायद हो सकता है वो ढाबे का खाना मुझे सूट नहीं किया हो, किसी भी लोकल जगह से नहीं खाना चाहिए पैसे बचाने के चक्कर में। ये टिकट है जो कि लो फ्लोर के लिए आपको टोकन मिलता है, अब नहीं लेते तो 25 रुपये का वो टिकट लेना पड़ता है। जब 5-6 हज़ार रुपये की टिकट लिया तो क्यों 25 रुपये लगा रहे हो, टोकन ले लो। आप अपना टिकट दिखाओगे तो वो